और अब एक खास बात, आरजे रामशास्त्र के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेसियों के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न जगहों पर साइकिल और बैलगाड़ी रैली निकालकर मोदी सरकार के विरोध में नारे लगाए गए। इस दौरान मुंगेली जिला में निकले कांग्रेस की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग व धारा 144 का कोई प्रभाव नहीं देखा गया। देखिए रिपोर्ट। वैसे तो विश्व बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम में काफी गिरावट आई है, परंतु कोरोना वायरस की मार झेल चुके भारत देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए मोदी सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल के दामों में तनिक भी राहत नहीं दी जा रही, बल्कि इनके दामों को और अत्यधिक बढ़ा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष सहित आम जनमानस का गुस्सा भड़कने लगा है। यह गुस्सा इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यह समय खेती किसानी करने का है, जिसमें किसानों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में डीजल और पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। चाहे खेत जुताई की बात करें या बुवाई की, खाद डालने से लेकर कटाई तक हर चीज में किसानों को मोदी सरकार के पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनमानस सहित कांग्रेसियों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है, जिसके कारण देश सहित पूरे प्रदेश में हर जगह कांग्रेसियों की टोली साइकिल व बैलगाड़ी में बैठकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सुपुर्द कर रहे हैं। इस दौरान मुंगेली जिला में भी कांग्रेसियों की एक टोली लोरमी से रवाना हुई, जिसमें दिखावा पसंद राजनीति के धनी माने जाने वाले बड़े राजनेताओं सहित छोटे कार्यकर्ता भी शामिल थे। इस दौरान कुछ दूसरों से मांग कर लाए गए साइकिल में सवार तो कुछ नई साइकिल खरीद कर, और जिनके पास दोनों का व्यवस्था नहीं था वह किसानों से मांग कर लाए बैलगाड़ी रूपी रथ में सवार कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए थे। आपको बता रहे हैं, निसंदेह सभी किराया और दूसरों से मांग कर लाए गए साइकिलों में कलेक्ट्रेट तो जरूर पहुंचे थे, मगर यही पोस्टर राजनीति के दिग्गज नेता वापस बड़ी बड़ी गाड़ियों में सवार होकर चेलों को नाश्ता पानी का खर्चा देकर दृष्टि ओझल हो गए। इस दौरान कांग्रेसियों से पूछे जाने पर कुछ ने जवाब दिया कि मोदी सरकार की यह नीति हिटलर शाही राजतंत्र जैसी प्रतीत हो रही है, किसानों के सर पर और अत्यधिक बोझ पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाकर डाला जा रहा है। आज देश की जनता परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। इस परेशानी की इस घड़ी में पिछले 22 दिन से लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में केंद्र सरकार के द्वारा वृद्धि करी जा रही है। तो वहीं दिखावा पसंद पोस्टर राजनीति के धनी राजनेताओं के द्वारा कुछ भी बोलने से मना कर दिया गया। इस दौरान भले ही लॉकडाउन में राहत दी गई है, परंतु अब भी कोरोना वायरस का खतरा कम नहीं हुआ है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सहित मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करने शासन प्रशासन लगातार अपील कर रही है, परंतु लोरमी व मुंगेली से समोसा नाश्ता व शाम की व्यवस्था के भरोसे निकली साइकिल व बैलगाड़ी वाली रैली में लोग व नेता मास्क लगाना ही भूल गए, और एक ही बैलगाड़ी में कई दिग्गज नेता एक दूसरे से चिपके हुए मोदी विरोधी नारों के साथ बैलगाड़ी का मजा लेते हुए नजर आए। मैं तो देखा नहीं हूँ उसको, लेकिन कार्रवाई होना चाहिए सर। अगर वो लोग मास्क नहीं लगाए, शासन के नियम के विरुद्ध काम करे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं चाहिए, हमारे ऊपर भी होना चाहिए अगर हम शासन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। इस दौरान पोस्टर राजनीति के धनी और दिग्गज नेताओं ने बैलगाड़ी व साइकिलों में फोटो खिंचवा कर पूरी जिम्मेदारी से सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। बहरहाल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से आम जनमानस में सही रूप से आक्रोश है, और अब इस बारे में जिम्मेदारों को सही रूप से आवाज उठाने की आवश्यकता है। जिला कांग्रेस के नेतृत्व में साइकिल रैली कर विरोध प्रदर्शन किया, डीजल पेट्रोल का भाव कम करने। परंतु जिस हिसाब से विपक्ष के द्वारा दिखावा पसंद विरोध किया जा रहा है, यह सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात सिद्ध हो रही है। लोग अपने स्तर में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं सर, दिल्ली में भेज रहे हैं कि भाई आप रेट को कम करिए, लोगों का परेशानी हो रही है अभी लॉकडाउन में, अर्निंग का सोर्स कम हो गया बहुत ज़्यादा, तो हम लोग तो हमेशा ही दे रहे हैं सर आवेदन, कार्रवाई हो तो समझ में। वैसे भी मुंगेली के नेता राजनीति की आड़ में कई बड़े कारनामे करने में माहिर हैं। निश्चित तौर पे मोदी जी ने वही कर दिखाया, कभी आज तक के पेट्रोल के कीमत के बराबर डीजल की कीमत नहीं था, डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया है। विदित 15 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई है, 10-10 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। एक समय था जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 10 पैसा बढ़ाते थे तो ये लोग कैलकुलेट करते थे कि इतने अरब का नुकसान हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बताने के लिए सामने नहीं आ पा रहे हैं, घर में मुंह छिपाए बैठे हैं कि जो रेट है वो 10 रुपए बढ़ा तो कितने अरब का नुकसान हो रहा है। मुंगेली से अजीत जायसवाल के साथ
ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रामझाझर।